नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीएसके चेन्नई सुपर किंग एक बहुत ही बड़ी चैंपियन टीम है जिसने की आईपीएल 4 बार अपने नाम किया है और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में यह टीम हर साल अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इस वर्ष यह टीम पॉइंट्स टेबल के अंतिम स्थानों में चल रही है, यानी कि 10 टीमों में से 9वें स्थान पर सीएसके चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सीएसके क्वालिफाई कर सकती है, जी हाँ, प्लेऑफ के लिए सीएसके क्वालिफाई करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या रूल्स रहेंगे, कितने मैच जीतना पड़ेगा और साथ ही चांसेस क्या है सीएसके क्वालिफाई करने के। आज के इस वीडियो में फुल प्रिडिक्शन हम जानेंगे, लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एवं दोस्तों, यदि आपको क्या लगता है, आपका प्रिडिक्शन क्या है, क्या सीएसके क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपना जो प्रिडिक्शन है, अपनी राय अवश्य आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सीएसके को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, फिलहाल यदि बात करें तो चेन्नई सुपर किंग यह अपने लगभग मोस्ट ऑफ द मुकाबले हार चुकी है, जी हाँ, ज्यादा मैच हार चुकी है। 9 मैच में से 6 मुकाबले यह टीम हार चुकी है और मात्र 3 मुकाबले में ही इनको जीत मिली है, लेकिन अब आगे इनकी जो राह है काफी कठिन हो गई है, क्योंकि अभी इनके पास में 5 मैच बाकी है और यदि इन्हें क्वालिफाई करना है तो 5 मैच को इन्हें जीतना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह टीम जो है पॉइंट्स टेबल के 9वें स्थान पर है 6 अंक लेकर के और 5 मैच बाकी है। यदि यह 5 मैच जीत जाती है तो इनके हो जाएंगे 10 पॉइंट, लेकिन दोस्तों इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत ही माइनस में है, नेगेटिव में है। इनका नेट रन रेट फिलहाल यदि बात करें तो -0.40 है। तो यदि यह टीम चाहेगी क्वालिफाई करना तो इन्हें 5 मैच तो जीतना ही जीतना है, लेकिन दोस्तों इस टीम को अपने लगभग 2 से 3 मैच काफी बड़े अंतर से जीतना है, 5 मैच को अच्छे खासे अंतर जीत लेना है, ताकि इनकी टीम का जो नेट रन रेट है वह ज्यादा बड़े पॉजिटिव में आए। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि टीमें कभी कभी टीमें 14 पॉइंट पे भी क्वालिफाई कर जाती है। हम देखें 2018 में राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट पे क्वालिफाई कर गई थी। तो यदि सीएसके अपना 5 मैच में से 1 मैच हारती भी है तो उन्हें 4 मैच में बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल करना होगा, लेकिन इस बार की जो कंडीशन कुछ अलग है, पिछली बार 8 टीमें होती थी, यहां 10 टीमें हैं। तो इस टीम को सीएसके को यदि क्वालिफाई करना है तो इनको बचे 5 मुकाबले बहुत ही भारी अंतर से जीतना होगा, क्योंकि अब बात करते हैं तो क्या महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली यह टीम यह कमाल कर पाएगी। दोस्तों, बाय ग्रह गोचर हमने पहले ही प्रिडिक्शन दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी यदि कप्तानी करते हैं सीएसके की तो इस बार उनके जीतने के चांस काफी हाई रहेंगे, बट आईपीएल के शुरू होने के कुछ दिन पहले ही, लगभग 2 दिन पहले ही सीएसके ने जडेजा को अपना कप्तान नियुक्त किया था, जबकि लगातार वह टीम हार रही थी। बट अभी धोनी के हाथ में जैसी कप्तानी आई है, पहला मैच शानदार तरीके से वन साइडेड हम कह सकते हैं, चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। बट यदि अभी बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल अवश्य इस टीम को आगे लेकर जा सकते हैं और क्वालिफाई करके खिताब भी अपने नाम कर सकते हैं। तो यह तो हुआ हमारा प्रेडिक्शन, जी हाँ, कर सकते हैं, प्रेडिक्शन है, कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि सीएसके की राह बहुत ही कठिन हो गई। अगर स्टार्टिंग से धोनी कैप्टनसी करते तो बिल्कुल प्रबल योग थे सीएसके के मुकाबले में क्वालिफाई करने के, बट अभी तो भी चांस है और शायद सीएसके क्वालिफाई कर सकती है। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है अवश्य बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।